अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। शरद, ये लड़का कौन है? मानव। और ये? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? ओके। एना, मशहूर डॉन जलंधर भाई की गुमशुदा गर्लफ्रेंड कनिष्का अभी अभी अंधेरी के एक प्राइवेट क्लब हाउस में पाई गई है अपने बॉयफ्रेंड शरद घोटाला के साथ। दोनों को लेके आओ, फिलहाल जिंदा, उसके बाद इन दोनों का क्या करना है मैं देखूंगा। ये इसके पापा, ये देखा है ना? अरे ये वही है जिन्हें अभी कुछ गुंडे लेके गए बंदूक दिखा के। शूले स्कूल गई है मम्मी। अरे यहाँ नहीं, वहाँ क्या हुआ ये पूछ रही हो हेमंत? वहाँ पर भी खुल गई थी, फिर मैंने ऐसे बांध दी और और ऐसे चलने लगा। जल्दी आगे बढ़ो। चो हेमंत, हेमंत, बसंत और शरद कहाँ है? उन्हें तो ले गए। कौन? गुंडे, संदूक दिखा के। कौन सी संदूक? गुंडों ने पापा और शरद चाचा को संदूक दिखाई और कहा चुपचाप हमारे साथ चलो वरना चोली गल जाएगी। क्या बोल रहा है तू? चोली, संदूक, क्या बोल रहा है? मुझे उस वेटर अंकल ने बताया कि सफारी सूट और काला चश्मा पहन के दो गुंडों ने पापा और शरद चाचा को ऐसे संदूक दिखाई और लेके गए। मतलब बंदूक? अरे बाप रे, बसंत तो शरद को कहां लेके गए होंगे? भाई वो मैडम और उसके आशिक को, मेरा मतलब है मैडम और उसके स्वर्गवासी होने वाले आशिक को ले आए। भाई मेरी बंदूक। ये लो भाई, अभी फ्रेश गोलियां डाली। बात पूरी तो होने दे, आज मंगलवार है, गुरुजी ने बंदूक चलाने से मना किया है। तलवार लाओ। लाता हूँ भाई, किचन में रखी है। मेरी तलवार किचन में है? भाई वो सूरना और कद्दू काटने थे ना, तो कद्दू काटने के लिए तुम लोग कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? भाई वो कुल्हाड़ी तो आपने। हाँ, कुल्हाड़ी तो मेरा बेटा चीकू ले गया अपने प्रिंसिपल को डराने के लिए। जाओ लेके आओ कनिष्का और उस लड़के को। जी भाई। आज ये तलवार और वो लड़का। अरे अरे, लोगों को कोई गलत फहमी हुई है शायद। मैं तो तुम कहां चले गए थे कन्नू? मुझसे कोई गलती हो गई? और अगर हो भी गई तो मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं कन्नू, बट प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, किस मैगजीन में तुम्हारी फोटो नहीं छप पाई। ये वैसे भी ये मिसिंग इंडिया है। मिसिंग इंडिया नहीं होता रे, मिस इंडिया होता है। कन्नू देखिए भाई साहब। भाई नहीं कन्नू, चाहे तो मुझे कुत्ता कमीना बदमाश नालायक कह के चांटा मार लो, बट प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए कुत्ते कमीने और क्या था, बदमाश और नालायक। नालायक, बदमाश। मैडम,
इन्होंने तो बोला कि कुत्ता कमीना वगैरह वगैरह बोल के चाटा मारो, प्लीज भी कहा इसलिए तो मारा। अरे पर चाटा ये बंदूक हटा। थैंक यू। सॉरी भाई। और इस लड़के के सर पे रखते हैं। मैं? अरे मैं मेरे सर पे। अरे वो गुंडे बसंत को कनिष्का समझ के उठा के लेके गए होंगे। लेकिन मम्मी पापा को उन्हें बता देना चाहिए था ना कि वो पापा है। हेमंत चुप कर। एक काम करते फोन करके देखते हैं। शरद का फोन तो बंद आ रहा है, बसंत को ट्राई करती हूँ। लगा रिंग जा रही। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो दोनों ठीक तो होंगे ना? कैसे करेंगे उन्हें कॉन्टैक्ट? वर्षा, वर्षा मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ पावना जी? है ना सब ठीक तो है ना? वैसे भाभी मैं भी हूँ, मेरा भी नाम लीजिए ना। मैं ले लेता हूँ भैरवी दीदी। दीदी 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 ठीक है मेरे भाई। ओ भाई बहन बाहर जाके नाम नाम खेलो जाओ। घन चक्कर चुपचाप इधर ही खड़ी रहे। ए वर्षा इस बार तुझे मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। हमेशा की तरह गल्ला तल्ला करके बात को टाल नहीं सकती तू। गल्ला तल्ला मतलब? हमारे गुजराती में है ना ऐसे सवाल पूछते फिर इधर उधर देखते हैं, जवाब नहीं देते तो उसको गल्ला तल्ला कहते हैं। आप यहाँ ये पूछने आई हैं? सॉरी है ना। वर्षा शरद कहाँ है? क्या किया शरद ने? क्या किया? अरे इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। ऐसे कोई किसी का इंसल्ट करता है सबके सामने? कहाँ है वो? गुंडों के पास। हेमंत इस समय कोई मजाक नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ है ना दीदी, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ मैं जानती हूँ मेरे प्यारे भाई, तू कभी झूठ नहीं बोलता। बोल। मैं पापा और शरद चाचा को बुलाने स्विमिंग पूल गया था ना, तब मुझे पता चला। कनु तुमने इस लड़के में क्या देखा? इस फटीचर फुंतरू में क्या दिखा तुम्हें? फटीचर फुंतरू, आप तो मेरी सासू माँ की तरफ बोलते हैं। क्या कहा तुमने? सासू माँ? तुमने इस लड़के से शादी कर ली? नहीं भैया। ची ची। भाई है ये मेरा। भाई? हाँ। भाई जैसा भी क्या देखा है इस लुखे में? Excuse me, लुखे होंगे आप। भाई, चला दू गोली? चला दे, तेरे भाई के पाँव के पास ही चला दे। भाई पागल हो गया क्या? भाई, माफ करना भाई। और एक बार चला। अरे कोई रोको इसे, पागल हो गया ये। भाई माफ कर दीजिए मुझे। मैं क्या शरद तेरी मानसिक तरंगे क्रैक हो रही है। उसे हिप्नोटाइज कर जल्दी से। Thank you.
जलंधर भाई, अब मैं जैसा कहूंगा आप बिल्कुल वैसा करेंगे। घूर क्या रहा लड़के? अरे ये तो नहीं हुआ हिप्नोटाइज, लगता है मेरे सुपर पावर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मुझे घूरेगा तू? अपनी आखिरी इच्छा क्या है बता। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि आप क्या रहना को यहाँ लेके आइए, मैं उसे सॉरी बोल के उसके साथ भट्टी करना चाहता हूँ। दरअसल मैं उसे जलाने गया, उसी वजह से ये सारी मुसीबत खड़ी हो गई। आप प्लीज प्लीज आना को यहाँ लेके आइए ना। और एक ही आखिरी इच्छा है या दो तीन और भी मांग सकता हूँ? ये तो सीरियसली बता रहा है अपनी आखिरी इच्छा। तो आप ही ने तो कहा था। देखिए ये गलत है, आप जो बोलते हैं हम वो करते हैं, फिर हम जब वो करते हैं तो आप हमको धमकाते हैं। नहीं नहीं ये गलत है कनु। देखो एक्चुअली मैं काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर इसकी आना को लेकर आती हूँ। हाँ ये ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। नहीं 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 करूँ, नहीं 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 करूँ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना। भाई भाई फोन है भाभी। आप बोलो। हाँ बिस्किट के पैकेट? हाँ ले आऊंगा। कौन से, सादे सोने के या 24 कैरेट वाले? नहीं नहीं मैं शाम को शादी में नहीं आ रहा हूँ। यार तुम्हें एक शादी लूटनी नहीं आई अभी तक, करना क्या है, अपने आदमी लेके घुसो। सर अच्छा मौका निकल लेते हैं। Excuse me, मैं जरा होकर आती हूँ। मैं भी जरा। क्या कर रहा है, चल पकड़। आइए आइए भैया आइए। चलिए चलिए भैया, आप जल्दी से भैया बन जाइए, यहाँ आसपास कोई नहीं है। हाँ 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 शरद तू अपना सुपर पावर ले ले और किसी दूसरे का रूप ले ले ताकि तू। ये रहा शरद घोटाला। कहाँ है कनिष्का मैडम, कहाँ है? वो तो नहीं रही। क्या 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 नहीं रही? यहाँ नहीं रही ऐसा बोलो, कुछ भी बोलता है, जो बोल रहे हो ढंग से बोलो ना। ये कौन है? मैं वसंत हूँ। वसंत मतलब वो नया बावर्ची जिसे आज बुलाया था हमने, वो? हाँ वही होऊंगा। होऊंगा ओके नहीं ओ हो हाँ हो नहीं हूँ। तो तू फिर यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो किचन में होना चाहिए। मैं जा रहा था लेकिन किचन शिफ्ट हो गया है क्या यहाँ से? पिछली बार जब आया था ना यहाँ पे ऐसे वो प्लेटफॉर्म था, वो ऐसे गैस तवा सेगड़ी थी, अभी पलंग आ गया इधर। ये बेडरूम है, किचन नीचे है, समझा? हाँ ऐसे थोड़ा पता है। ए, इसको लेके चल। क्यों चल? चल हाँ चलो चलो सब चलो। तू कहाँ जा रहा है? सीधे सीधे बता कनिष्का मैडम कहाँ है वरना। अरे बाप रे कहाँ फंस गया मैं। अरे भैया भाई बोल, तेरी मुंह बोली बहन कनिष्का कहाँ है शरद? देखिए देखिए आप पहले ये कद्दू काट लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ए भाई ऐसे ही कद्दू नहीं काट रहे, तुझे तलवार की धार दिखा रहे समझे? ये स्पेशली कद्दू मुझे तलवार की धार दिखाने के लिए काट रहे हैं। थैंक यू देख ली मैंने तलवार की धार, अब मेरी बात सुनिए। अब तू सुन, इस बार कद्दू की जगह तेरा सर होगा शरद। क्यों? पहले आप ये कद्दू बैंगन लौकी ये सब काट लीजिए ना। ये समझ क्यों नहीं रहा है,
बोल बोल मेरी कनिष्का कहाँ है? बोल वरना वो कनिष्का भैया ना, कनिष्का बहन, वो किचन में, किचन में, किचन में, हाँ किचन में। चल भाई, चल चल। ये सब्जियों को देख क्या रहे हो भाई साहब? मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन सी सब्जियां नहीं है। मतलब भिंडी तो है, लौकी भी है, टमाटर है। ये एक समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सी सब्जी का चूरा है? ये सब्जी का चूरा नहीं है, ये आटा है। नहीं वो पता है, वो मैं थोड़ा ऐसे अच्छा बैंगन भी है और गवार भी है। गवार? भाई साहब गवार पतली होती है। हाँ तो ये खा के मोटी हो गई होगी। जो जो कर रहा हूँ मैं। अच्छा तो संतरे की सब्जी नहीं है भाई साहब? संतरा सब्जी नहीं है। हाँ वही संतरे की सब्जी नहीं है तो मैं लेकर आता हूँ। कनिष्का, कनिष्का, कनु, कनु, कनु। भाई मैडम यहाँ नहीं है, यहाँ बस ये है। बोल मेरी कनिष्का कहाँ है? बोल वरना। मैं अभी बनवा देता हूँ, इस बावर्ची से कहकर कनिष्का को 5 मिनट में बनवा देता हूँ। हाँ, 5 मिनट, 5 मिनट में तैयार हो जाएगी कनिष्का। 5 मिनट प्लीज, प्लीज 5 मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट में वो बाहर नहीं आई ना। ये कौन है भाई? ये बावर्ची है। हेलो, एक्सक्यूज मी बावर्ची जी, तुझे भेजा फ्राई बनाना आता है क्या? भेजा फ्राई? भेजा, भेजा या भेजा तो फ्राई? वो मार्केट में देखता हूँ किताब मिलती है क्या भेजा फ्राई बनाने की, वो लेके आता हूँ। हाँ और मैं आपको किताब सिलेक्ट करने में आपकी मदद करूंगा। चलिए। तू कहाँ जा रहा? कहा ना इन्हें किताब सिलेक्ट करने में इनकी मदद करूंगा मैं। बोल चलो भागो। नहीं आ रहे। हाँ हाँ आ रहा है। रिलैक्स रिलैक्स। कहाँ जा रहा? रोक अरे वाह, मेडिकल ट्रिप इज एज इजी एज प्लानिंग अ हॉलिडे। चले रॉनी, भद्रेश, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अरे एक सुंदर सी छोरी। ओ काका मुरली, रहने दो ना, आपको कोई भी बात ब्रेकिंग न्यूज लगती है? ऐसा क्या बोलता है भद्रेश? नहीं नहीं काका मुरली बोलो बोलो। अरे एक मिनट वाला, तुझे पता है अभी परसों की बात है, सुबह से मेरे घर में कुंडली मार के बैठे थे और क्या कह रहे थे, आज की ताजा खबर, आज से ताजा सब्जियां बेचने आएगी सब्जी वाली हसीना। और जैसे ही वो आई ना, सबसे पहले भागे सब्जियां खरीदने और आधे घंटे तक भागते रहे पेट अंदर करके। सब्जी लेने के वास्ते आधे घंटे तक भागा, क्या बोलता है मैं? अरे सच बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, जो हसीना थी ना वो सब्जी वाली की कुतिया थी, इनको देखते इनके पीछे पड़ गई। वाह अंकल हो जा, औरत नहीं तो कुत्ता ही सही, कोई तो तुम्हारे पीछे पड़ा। अरे चल रो, चुप करो, हमारे पास सच में ब्रेकिंग न्यूज है। देखो पापा, रॉनी भैया, बदेश भैया, लगता है शरद किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा है। ऐना को सताने के चक्कर में वो किसी लड़की को लेके स्विमिंग पूल में गिरा था, लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि वही खबर मैंने दिखाने जा रहा था बेटा। देखो चल रो,
हाँ, देखो कल्का मुरली नया फोन। हाँ, रोनी का है। हमारे सूत्र के द्वारा हमें खबर मिली है कि मशहूर डॉन जलंधर भाई साहब की मंगेतर कनिष्का, जो कि पिछले कुछ दिनों से लापता थी, वो अंधेरी वेस्ट के इलाके में सनशाइन कॉलोनी के क्लब हाउस में किसी शरद घोटाला नामक इंसान के साथ दिखाई दी गई है। खबर के अनुसार हम आपको ये भी बता दें कि प्यार में पागल जलंधर भाई साहब ये सच जानकर विचलित हो गए और उन्होंने कनिष्का सहित शरद घोटाला को अगवा करवा लिया है। इसका मतलब शरद घोटाला का अंडरवर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन है मैन? वो घोटाला फैमिली कितना जल्दी बोल यार। वो झाड़ू के साथ हम लोग क्या मारता है? पोछा। हाँ, वो घोटाला फैमिली कितना पोछा हुआ है। ओ झालर, पहुंचा हुआ लोग है। पहुंचा हुआ का पोछा किया तूने? तुम समझा ना? अरे अभी हम लोग को ये समझने को मांगता है कि घोटाला का अंडरवर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है। Thank you.